उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की तीन नक्कारों वाली भ्रष्टाचारी सरकार TSR-1 त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत TSR-2 और PSD पुष्कर सिंह धामी, एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी। एक ने भ्रष्टाचार किए करीबन 4 साल, दूसरा कुछ दिनों के लिए मेहमान बन के आया और उसी में कुंभ का इतना बड़ा घोटाला करके गया, और तीसरा मुख्यमंत्री जो आया खनन प्रेमी मुख्यमंत्री है, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है, बच्चों के मुंह से, वो भी कुपोषित बच्चों के मुंह से निवाला छीनने वाला मुख्यमंत्री है। और अब आचार संहिता लागू होने के बाद 10 जनवरी की शाम को व्हाट्सएप से बैक डेट में UTU के कुल सचिव के ट्रांसफर और नई नियुक्ति के आदेश आए, और ये दिनांक 20/11/2020 के आदेश को निरस्त करते हुए एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम है प्रोफेसर कुंवर सिंह बैसला, ये कुमायूं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा हार्ट अल्मोड़ा को ट्रांसफर करके कुल सचिव वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून के पद पर तत्काल प्रभाव से नियुक्ति दे दी गई है। और ये कहा गया है इस आदेश में कि जो मैटर कोर्ट में चल रहा है इनकी नियुक्ति उसके तहत रहेगी, कि अगर उसमें कोई विपरीत आदेश आता है तो इनको हटाया जा सके। और ये आदेश है 7 जनवरी 2022 का। 10 जनवरी 2022 को आचार संहिता लगने के बाद ये पहुंचा सबके पास व्हाट्सएप के माध्यम से, और इसमें यह भी कहा गया है कि श्री बैसला जो है उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 201/2021 चंदन सिंह नेगी बनाम राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी। मतलब जब तक अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक एक टेंटेड ऑफिसर, एक भ्रष्टाचार के आरोप वाला जो व्यक्ति है वो इस पद पे कुल सचिव बनेगा। बच्चे क्या सीखेंगे या बच्चों पर क्या असर होने वाला, इससे इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। पढ़ना लिखना डिग्रियों से नहीं होता, पढ़ना लिखना दिमाग होता है, सोच से होता है, बड़ी सोच होनी चाहिए। मेरी मांग है चुनाव आयोग से कि बैंसला जी की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से कैंसल करा जाए।